हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। क्या तुम्हें पानी लेट के, बैठ के, नाचते हुए या शर्ट के साथ या शर्ट के बिना तुम्हें पानी कैसे पीना चाहिए, हम बात करेंगे इसके बारे में। और आज हम एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करेंगे कि पानी फैट लॉस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। बहुत लोग बहुत अलग अलग रीजंस देते हैं कि इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, बट आज हम साइंटिफिक अप्रोच से देखेंगे कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बताता हूँ, यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनकी वीडियोस पे बहुत अच्छे खासे व्यूज़ हैं, वो क्लेम करते हैं कि पानी पीने के कुछ राइट वेज होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में बेसिकली सिर्फ ये लिखा है कि तुम्हें पानी स्टेबिलिटी के साथ पीना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सांस बहुत ऊपर है, तुम रनिंग कर रहे थे और तुम उस टाइम पे पानी पी रहे हो। ऑफ कोर्स वो तुम्हें डैमेज कर सकता है, तुम्हें हार्म कर सकता है, विंड पाइप में चला गया तो कुछ भी हो सकता है। सो द वेज यू जस्ट नीड टू हैव अ काम माइंड, काम ब्रीथ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हें स्टेबिलिटी के साथ पानी पीना है, दैट्स द एंड गोल। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि खड़े होकर पानी पियोगे तो पानी घुटनों में चल जाएगा। अरे मजाक है क्या? ह्यूमन बॉडी है, कोई खिलौना नहीं है गाइज। सो पानी तुम जैसे मर्जी पी सकते हो। लेट के पानी पीना ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहिए, कॉमन सेंस है। अगर खड़ के पानी पीना है, खड़ के पियो। बैठ के पानी पीना है, बैठ के पियो। कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो अब हम बात करते हैं पानी इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों फैट लॉस के लिए। अब पानी में तो कैलोरीज ही नहीं होती, सो पानी सर्वाइवल के लिए भी क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट सब में कैलोरीज होती हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, पर पानी में ज़ीरो कैलोरीज होती हैं। बट फिर भी पानी इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो गाइज, 70 to 75% तुम्हारी बॉडी में वाटर है। तुम्हारी बॉडी के सेल से लेके तुम्हारी बॉडी के XYZ फंक्शनिंग को पानी चाहिए। अब पानी इसलिए चाहिए क्योंकि जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शंस पानी की प्रेजेंस में ही होते हैं। दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम मसल बिल्डिंग या फैट लॉस की बात करें, हमारा जो मसल है उसमें 70 to 75% वाटर, 1 से 5% लिपिड्स माने फैट, 1 से 2% ग्लाइकोजन, 18 से 23% प्रोटीन और 1% मिनरल सॉल्ट होते हैं। ये जो हमारे मसल्स हैं इसमें मेजॉरिटी पानी ही है। सो जो भी एक मसल डिहाइड्रेटेड होगा वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाता। A dehydrated muscle is not able to perform at its peak performance. तो तुम्हें क्या करना है, you have to be hydrated ताकि तुम्हारा मसल full potential पे काम कर पाए, तुम exercise बहुत perfectly कर पाओ। This is the only reason तुम्हें पानी hydrated रहना चाहिए, तुम्हें पानी consume करना चाहिए अच्छा खासा, ताकि तुम्हारे muscles अच्छे तरीके से काम कर पाएँ, तुम्हारी body का survival mechanism अच्छे से चलता रहे। इसके अलावा मैंने बहुत लोग देखे हैं जिम में पानी नहीं पीते। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ जिम जाने से पहले 4 लीटर पानी पी जाओ, पेट इतना फूल जाए और वहाँ पे कुछ ना कर पाओ। बट यस, तुम्हें देखना है यार, तुम्हें डिहाइड्रेटेड नहीं रहना। हर किसी की बॉडी अलग है। अब मुझे सुबह उठते ही ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, बट कई लोगों को चाहिए होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। अब बात करते हैं कितना पानी इम्पॉर्टेंट है। अलग बुक्स, अलग नंबर, अलग साइंस, हर किसी की अलग रिसर्च, हर स्टडी। कई लोग कहते हैं जितना बॉडी में ब्लड है, जितनी साइंस कहती है कि उतना पानी पीना चाहिए, 5 लीटर। हमारी बॉडी में अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड रहता है ऑल द टाइम, तो उतना पानी पीना चाहिए। कई लोग कहते हैं कैलोरीज का डबल पीना चाहिए, 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो 4 लीटर पानी पियो। आई विल गिव यू अ नंबर, यू हैव टू ड्रिंक समवेयर बिटवीन 4 to 6 लीटर्स। देखो 3 to 6 भी चलेगा, जो भी तुम्हें फिट होता है उसके हिसाब से पियो। डोंट ओवर हाइड्रेट। अगर तुम 8-9 लीटर से ऊपर जा रहे हो ना, एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तुम्हारी बॉडी विटामिन और मिनरल्स को फ्लश आउट कर देगी, जिसकी वजह से तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस हिल जाएगा और तुम्हें डिजी फील होने लग जाएगा। सो जस्ट बी अ नॉर्मल हाइड्रेटेड पर्सन। ना डिहाइड्रेटेड रहना है, ना ओवर हाइड्रेटेड रहना है। सो दिस इज़ द ओनली वीडियो यू नीड फॉर हाइड्रेशन। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को शेयर करो, do comment for the algorithm and let's grow this channel together. Until that, signing off, see you next time.